तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की इजराई में ताखिर का इम्कान है क्योंकि महकमे सिविल सप्लाईज ने जरअल्तवा लाखों दरख्वास्तों की जांच के लिए स्टाफ दस्तियाब नहीं। बताया जाता है कि 4,15,901 दरख्वास्तें नए राशन कार्ड के लिए दाखिल की गई। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारान उनमें से बहुत कम दरख्वास्तों की जांच का काम अंजाम दे सके हैं। हुकूमत ने पीर से राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया था लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यह मजीद 2 हफ्तों तक मुमकिन दिखाई नहीं देता। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि हकीकी मुस्तहक अफराद का पता चलाकर तरजीही बुनियादों पर राशन कार्ड जारी करें। चीफ मिनिस्टर की हिदायत थी कि अंदरून 15 यौम दरख्वास्तों की जांच मुकम्मल कर ली जाए। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की क्यादत में काबिने सब कमेटी तश्कील दी गई जो राशन कार्ड्स की इजराई का जायजा ले रही। सिविल सप्लाईज के अलावा रेवेन्यू और जीएचएमसी के अहदेदारों को दरख्वास्तों की जाँच के लिए मुतयन किया गया है। अहदेदारों के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा दरख्वास्तों की जाँच के लिए मजीद 15 से 20 दिन दरकार होंगे।